हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट्स में या डाइकोट प्लांट्स में होने वाले स्टिलर रीजन में होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन। सो स्टिलर रीजन में मैंने क्या बताया था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को क्या बोलेंगे, स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर स्टिलर रीजन को छोड़ दे और अगर कॉर्टेक्स वाले भाग में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो वो कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन कौन सा आ गया, स्टिलर रीजन को छोड़कर जो बचा हुआ प्लांट डाइकोट प्लांट्स का भाग है उसमें होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन वाली सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन क्या होता है। मैंने शुरू में जब डाइकोट्स में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाई थी तो मैंने बता दिया था कि जाइलम और फ्लोएम में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होगी, स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। और एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, कॉर्टेक्स वाले भाग में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ होगी एक्स्ट्रा स्टिलर में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। सो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से डाइकोट प्लांट्स में सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। तो वैस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होता है तो इन्हें क्या कहेंगे, सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यूज कौन से आ गए, जाइलम और फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना, सेकेंडरी टिश्यूज का बनना एक ही चीज़ है। सो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या हो रहा था, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जैसे सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण हो रहा था। जब ये सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं तो ये सेकेंडरी टिश्यूज प्राइमरी टिश्यूज पे दबाव बनाते हैं। अब देखो ये यहाँ पे कंसिडर करो कि ये है प्राइमरी टिश्यूज। अब जब ये प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे तो जब इनमें इनकी जो फेसिकुलर कैम्बियम है, इस फेसिकुलर कैम्बियम में एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी के फलस्वरूप क्या होगा, इनमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। तो जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे तो वो पहले बने हुए प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम पे दबाव बनाएंगे। दबाव बनाने से क्या होगा कि जो पहले बने हुए वैस्कुलर टिश्यूज थे वो पिथ की ओर धंसने लग जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि सेकेंडरी टिश्यूज प्राइमरी टिश्यूज पे दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के कारण जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं जो पहले बनते हैं वो पिथ की ओर अंदर धंसने लगते हैं और पिथ को हासित या रिड्यूस करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, या तो पिथ की जो सरफेस एरिया होता है, या तो पित्त का सरफेस एरिया छोटा हो जाता है या पित्त पूर्णतया ही नष्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब सेकेंडरी फ्लोएम बने तो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम के द्वारा प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम को अंदर की ओर धकेल दिया जाता है और जो बाहर की तरफ बनने वाले टिश्यूज होते हैं, मैंने बताया था अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। तो अंदर की तरफ उपस्थित जाइलम धंसते जाएंगे और बाहर की तरफ बने हुए सेकेंडरी टिश्यूज बाहर की ओर जो लेयर्स होते हैं उनको धकेलने का कार्य करेंगे।
सो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो वैस्कुलर रीजन में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी तो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज़ का निर्माण होता है। ये जो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज़ पे दबाव बनाते हैं, जिससे कि वो अंदर की ओर धंसने लग जाते हैं और बाहर की तरफ बने हुए टिश्यू बाहर की ओर खिसकने लग जाते हैं, या बाहर की ओर इतनी उसकी एंडोडर्मिस को, पेरिसाइकिल को और हाइपोडर्मिस लेयर्स को, एपिडर्मिस लेयर्स को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इससे पहले कि हाइपोडर्मिस की सेल्स या बाहरी जो परतें होती है वो पूर्णतया नष्ट हो, उससे पहले क्या करेंगी, कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस की सेल कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस की सेल्स जो कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस। तो कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस की सेल्स जो पेरेनकाइमेटस होती है वो क्या करेंगी, मेरिस्टमेटिक हो जाएंगी। मेरिस्टमेटिक मीन्स विभिज्योत की, जो लगातार बार बार डिविजन्स करती रहती है। क्योंकि डिविजन्स क्यों करेगी, क्योंकि जब जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बने, सेकेंडरी टिश्यूज़ बने, वो प्राइमरी टिश्यूज़ पे दबाव डालते हैं और जिससे कि बाहर की ओर भी नए बनने वाले टिश्यूज़ का दबाव बनता है, जिससे डिफरेंट लेयर्स नष्ट होने लग जाती है। वो पूर्णतया नष्ट हो उससे पहले ही कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस की सेल्स पेरेनकाइमेटस हो जाती है, जो होती ही है एक्चुअल में पेरेनकाइमेटस। तो ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है ये मेरिस्टमेटिक सेल्स में मॉडिफाई हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है और बार बार डिवीजन करके किसका निर्माण करेगी, कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में कॉर्टेक्स में किसका निर्माण होगा, कॉर्क कैम्बियम का। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में, इसे भी आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार से वेस्टिकुलर कैम्बियम या स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, उसी प्रकार एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन्स में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को भी हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को हम तीन भागों में पढ़ेंगे, मैकिंग ऑफ पेरिडर्म, मैकिंग ऑफ बार्क और मैकिंग ऑफ लेंटिकल्स। अब देखो जिस प्रकार से हमने स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में पढ़ा था, उसी प्रकार से हमने स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को भी तीन पदों में हम यहाँ पे कवर करेंगे। कौन कौन सा, मैकिंग ऑफ पेरिडर्म मींस पेरिडर्म का बनना, सेकंड है मैकिंग ऑफ बार्क मींस बार्क का बनना, थर्ड है मैकिंग ऑफ लेंटिकल्स अर्थात वात रंध्रों का बनना। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैकिंग ऑफ पेरिडर्म। तो जिम्नोस्पर्म एवं डाइकोट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब स्टेम एवं रूट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है, किन में, डाइकोट स्टेम एंड रूट्स एंड जिम्नोस्पर्म के स्टेम एंड रूट में। तो डाइकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के समय व जिम्नोस्पर्म में स्टेम व रूट पे एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, एक रक्षी परत पाई जाती है। ये रक्षी परत क्या कहलाती है, पेरिडर्म। तो पेरिडर्म किसे कहेंगे, कि डाइकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के समय स्टेम एवं रूट पे व जिम्नोस्पर्म में स्टेम एवं रूट पे एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण होता है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को ही पेरिडर्म कहते हैं।
तो ये जो पेरिडर्म की सेल्स होती है ये प्रोटेक्टिव होती है, और इस तरह हम पेरिडर्म को डिफरेंट डिफरेंट तीन लेयर्स में आगे डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? ये जो पेरिडर्म होती है वो तीन प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, तो वो तीन प्रकार में डिवाइड होती है। कौन? पेरिडर्म। इस पेरिडर्म को भी आगे तीन टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है कॉर्क कैम्बियम, सेकेंड है कॉर्क, और थर्ड है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस पेरिडर्म को भी हमने आगे तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसे कहते हैं फेलोजन। आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय पेरिडर्म में सेल्स का या पेरिडर्म की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का विन्यास क्या होता है। तो वो विन्यास सिंपल ये नहीं देंगे कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, नहीं, वो कभी कभी ऐसे भी दे देता है फेलोजन, फिल्लम और फिलोडर्म। ये विन्यास भी कभी कभी वो दे देता है जो इनके अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं। कौन कौन से? कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं, कॉर्क को फिल्लम भी कहते हैं, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फिलोडर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम की। तो बात करेंगे हम यहाँ पे फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम की। तो ये जो फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम होती है ये भी वेस्कुलर कैम्बियम के समान ही लेटरल मेरिस्टेम होती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है इसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसी से विकसित होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही ये विकसित होती है। ये वास्तव में वेस्कुलर कैम्बियम के समान ही लेटरल मेरिस्टेम होती है। इसकी सेल्स भी कैसी होती है? पैरेन्काइमेटस, मृदुतकीय प्रकार की होती है। कॉर्क कैम्बियम की सेल्स भी मृदुतकीय प्रकार की होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। जब इसके या इस लेयर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो उसमें ये सेल्स आयताकार दिखाई देती है, और आयताकार दिखाई देने के साथ में इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाश। तो इनमें अंतरा कोशिकीय अवकाश भी अनुपस्थित होते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम के बारे में बात करें तो क्या होगा कि ये वास्तव में सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होती है। ये वैस्कुलर कैम्बियम के समान ही लेटरल मेरिस्टेम होती है। इनका ट्रांसवर्स सेक्शन, हाँ, ये पेरेन्काइमेटस या मृदुतकीय सेल्स होती है, जब इनका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं मीन्स इनकी TS लेते हैं तो इनकी सेल्स कैसे दिखाई देगी? आयताकार दिखाई देती है, और उसके अलावा ये मृदुतकीय होती है, और इनके बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश भी अनुपस्थित होता है। वैस्कुलर कैम्बियम के समान ही कॉर्क कैम्बियम की जो सेल्स होती है वो वातावरण या बाह्य कारकों के प्रति सक्रियता व निष्क्रियता दर्शाती है। मींस इस पे भी, जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम पे भी किस किस का इफेक्ट पड़ रहा था? टेम्परेचर का या बाह्य फिजिकल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ रहा था। उसी प्रकार से ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है इस कॉर्क कैम्बियम में भी फिजिकल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। ये फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं?
जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स में तो हार्मोन्स की बात करूँ तो हार्मोन्स, उसके अलावा अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात करूँ तो टेम्परेचर, डे लेंथ, जिसे हम क्या कह सकते हैं फोटो पीरियड्स आदि का प्रभाव पड़ता है। तो वैस्कुलर कैम्बियम के समान ही कैम्बियम भी, या वैस्कुलर कैम्बियम के समान ही कोर्क कैम्बियम भी वातावरण के प्रति सक्रियता व निष्क्रियता दर्शाती है, अर्थात ये भी हार्मोन व फिजिकल फैक्टर्स द्वारा अफेक्ट होती है। ये फिजिकल फैक्टर्स टेम्परेचर भी हो सकता है और फोटो पीरियड्स मीन्स दिन और रात की अवधि भी इसे प्रभावित कर सकती है। जब इस कॉर्क कैम्बियम की पेरेन्काइमेटस सेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या होता है कि ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है, इस कॉर्क कैम्बियम की पेरेन्काइमेटस सेल्स डाइकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के समय एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होके लगातार डिविजन्स करने लग जाती है। तो ये जो कैम्बियम है इसे हम क्या कहेंगे, कैम्बियम, कौन सी कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनी थी, कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस में। तो कॉर्टेक्स के हाइपोडर्मिस में जब इस कॉर्क कैम्बियम का एक्टिवेशन होता है, उस एक्टिवेशन के टाइम क्या होता है, अंदर की ओर या अंदर की ओर किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, और बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होगा, जिसे जिनमें से कॉर्क को कहते हैं फिल्लम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोजन कहते हैं। तो देखो, जब कॉर्क कैम्बियम का एक्टिवेशन होता है मींस जब वो लगातार डिविजन्स कर रही होती है, तब क्या होता है, ये कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ फेलोडर्म का निर्माण करती है, फेलोडर्म अंदर की तरफ तो फेलोडर्म का निर्माण करती है जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और अपने बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण करती है जिसे हम फिल्लम कहते हैं। अब पढ़ो सबसे पहले फिल्लम के बारे में कि फिल्लम क्या होता है, जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं। ये भी कॉर्क कैम्बियम के समान ही पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, लेकिन इनमें लिग्निन व सुबेरिन का निक्षेपण पाया जाता है जिसके कारण ये दृढ़ व कठोर होती है व अपारगम्य होती है। तो जब कॉर्क की सेल्स का टीएस लेते हैं तो क्या पता चलता है कि ये जो कॉर्क की सेल्स होती है ये भी कैसी होती है, आयताकार होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और थर्ड थिंग क्या, इनकी जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है उनमें लिग्निन व सुबेरिन का जमाव होता है जिसके कारण ये सेल्स कैसी होती है, ठोस होती है और थोड़े ब्राउन कलर की होती है और थोड़ी हार्ड टाइप की होती है, क्योंकि आपको पता है लिग्निन और सुबेरिन निक्षेपण वाले पदार्थ होते हैं जो उसको दृढ़ता या यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं, अर्थात ये प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करेंगे। ये जो कॉर्क होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फिल्म। तो इस फिल्म का निर्माण कॉर्क कैम्बियम के बाहर की ओर होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, जिसे कहते हैं फिलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जब एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है, तब उस सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम के एक्टिवेशन से अंदर की तरफ पेरेन्काइमेटस सेल्स बनने लगती है, अर्थात जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है तब इस कैम्बियम की सेल्स जो पेरेन्काइमेटस होती थी वो कैसी हो गई, मेरिस्मेटिक, अर्थात वो डिविजन्स करेगी और डिविजन्स के फलस्वरूप अंदर की ओर पेरेन्काइमेटस सेल्स को बनाती है। इन पेरेन्काइमेटस सेल्स की आकृति भी आयताकार ही होती है, कैसी होती है,
आयताकार, लेकिन इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब डाइकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनती हैं, जो पहले कौन सी थी, पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स बाद में मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेगी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडर्म का या आंतरिक भाग का निर्माण करेगी। ये जो फिलोडर्म है इसकी सेल्स कैसी होती है, आयताकार होती है, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें मोस्टली पाए जाते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये मल्टी लेयर्ड या बहुस्तरीय प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब इन तीनों लेयर्स को मैं डायग्राम की हेल्प से यहाँ समझा देती हूँ, इसके साथ ही इसका ये टाइप ख़त्म होता है। यह है इसकी एपिडर्मिस, यह है फेलोडर्म, यह है फिलम, तो इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो सेल्स होती है वो अरेंज होती है। ये है आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। और कॉर्क कैम्बियम को हमने क्या बोला था, फेलोजन। तो समझ लो ये क्या है, फेलोजन। और इसमें जो सेल्स होती है ये वाली जो मल्टी लेयर्ड होती है और अंदर की तरफ, समझ लो ये तो है फेलम, सॉरी फेलोजन। ये जो एरिया होता है ये आयताकार सेल्स का, ये कौन सा एरिया है, फेलोजन। तो ये जो फेलोजन है इसे हमने यहाँ क्या कहा था, कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है इसकी एक्टिविटी से तो किसका निर्माण हुआ था, फिलम और फेलोडर्म का। तो जो अंदर की ओर लेयर्स बनती है, जो मल्टी लेयर्स होती है और जिनमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं वो कौन सी है, फेलोडर्म। और जो बाहर की ओर सेल्स बनती है जिनमें किसका निक्षेपण पाया जाता है, लिग्निन और सुबेरिन का, और वो इस फेलोजन के बाहर की ओर बनती है जो हार्ड होती है, वो कौन सी सेल्स हो गई, फिलम की सेल्स हो गई, ठीक है। और इस प्रकार से आपके फर्स्ट पॉइंट मेकिंग ऑफ पेरिडर्म समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके दो डिफरेंट टाइप्स हम कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।